हाय दोस्तों, वेट शेविंग की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम रिव्यू करेंगे एक नया शो, गोली सोडा। गोली सोडा नेचुरल प्रोबायोटिक यूनिसेक्स शेविंग बार, शेव बार लिखा हुआ है, और हैंडमेड बार ऑफ गुडनेस, पेपरमिंट और लेवेंडर ये वेरिएंट है। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नेचुरल, नो पाम ऑयल, प्रोबायोटिक्स, वेगन, सेव वाटर विद पावर ऑफ प्रोबायोटिक्स। ओके, नेचुरल प्रोबायोटिक यूनिसेक्स शेव बार पेपरमिंट लेवेंडर, फिर से मार्केटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गोली सोडा, बावा रोड, अलवार पेट, चेन्नई। ओके, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय एमजी इको ड्यूटीज, ऑरोविल इंडिया। ठीक है, 95 ग्राम्स का ये सोप है, 95 ग्राम का, और ये अगस्त 2020 में बना हुआ है। एक्सपायरी डेट इसकी 18 महीने है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब इसमें क्या क्या है, सैपोनिफाइड एडिबल कोकोनट ऑयल, प्यूरिफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड वाटर विद प्रोबायोटिक्स, सेरामिक रिंग्स, एलोवेरा जूस, प्रोबायोटिक्स सर्टिफाइड लेवेंडर, वो पी और आर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, प्रोबायोटिक्स ही है वो, सर्टिफाइड लेवेंडर एंड पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, आप इसको हम करते हैं, तो ये इस तरीके की इसकी पैकिंग है, कार्डबोर्ड टाइप की पेपर में, और उसके अंदर ये वैक्स पेपर या आप कह सकते बटर पेपर में ये इस तरीके से ये सोप है। ठीक है, इसको जरा निकाल लेते हैं, और ये सोप है ऐसा। ठीक है, अब खुशबू हल्की सी पेपरमिंट की, लेवेंडर की अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, हर बहुत ही हल्की सी पेपरमिंट की, बाकी ओवरऑल एक सोपी खुशबू है, सोपी। हाँ, तो इसको यार पहले काम करते हैं, पहले फेस लादरिंग करते हैं इससे, और फिर इससे कर लेंगे बोल लादरिंग, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो मैं इसको जो है इससे काम करता हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। सो आज प्रॉपर यूज आएगा है पिंक वुल्फ का शेविंग मग, जिसमें कि बेसिकली ऐसे सोप सी लोड हो जाते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, और अंदर बैठ जाते हैं बढ़िया, और अब इससे लादरिंग करेंगे। तो फेस लादरिंग करेंगे, पहले चेहरे को कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा गीला। ओके, ब्रश हमारा वही पर्ल का, ब्लैक वाइट। ओके, ये और बिल्कुल भी देखो कोई ब्लूम्ड नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ड्राई है सोप। सो 15 से 20 बार सिर्फ जो है मैं इसके ऊपर स्वर्ल कर लेता हूँ, घुमा लेता हूँ। ये हो गया 20 बार हो गया। ओके, इस तरीके का थोड़ा सा लादर बन रहा है, ब्रश पे कलेक्ट हुआ, फेस लादरिंग शुरू करते हैं। ओ यार, इसके बबल्स बहुत बड़े हैं भाई, ये जो अरे ये इसके बबल्स तो बड़े, बहुत बड़े यार, लादर फॉर्म हो रहा है लेकिन इसके बबल्स काफी बड़े हैं। सेंटा क्लॉज की दाढ़ी। आई डोंट लाइक दिस लादर, आई मीन आई पर्सनली। हाँ, ये स्टेबल नहीं है लादर मेरे हिसाब से, या हो सकता है मुझको कोई खराब पीस मिल गया हो सोप का, आई डोंट नो। सो बोल लादरिंग, चलो बोल लादरिंग भी ट्राई तो करेंगे, विल गिव फेयर चांस टू द सोप, कि अगर फेस लादरिंग नहीं हुई तो बोल लादरिंग होती क्या, चांसेस बहुत कम है बट स्टिल, क्योंकि हम सारे सोप्स के साथ भी ट्राई करते थे, इसके साथ भी डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बट इसका लादर के बबल्स बहुत बड़े हैं, एंड इट मे बी ए गुड बाथ सोप और गुड फेस वॉश और गुड शैम्पू बार। आई पर्सनली एंड
आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है मेरे से, आप जब यूज करोगे तभी आप डिसाइड कर सकते हो, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आई पर्सनली वुड नॉट प्रिफर टू यूज दिस सोप फॉर शेविंग। श्योर फिर बोल लादरिंग भी करके देखते हैं। सो ब्रश हमारा गीला है, सोप भी अब थोड़ा सा ब्लूम्ड है, सो भी 15 बार। ठीक है, 15 बार सोप कलेक्ट किया। अब वही अपना नॉर्मल जो रेड बुल, नॉर्मल मेलामाइन प्लास्टिक रेड बुल, इसमें लादरिंग करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो जैसे ही लादर फॉर्म होना शुरू होता है ना, बड़ा इंप्रेसिव लगता है कि ओ माय गॉड इतना लादर बनना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ये बड़े बड़े बबल दिखते हैं ना, वैसे ही बड़ा ही खतरा महसूस होता है। मतलब खतरा मतलब कि ऐसा कोई खतरा नहीं, बट ऐसा लगता है कि अरे यार लादर स्टेबल होगा कि नहीं, क्योंकि बड़े बबल जल्दी डिसिपेट हो जाते हैं हवा में, ये प्रॉब्लम है। तो लादर स्टेबल नहीं होता। खैर, अगर आपको प्रोबायोटिक एक शेविंग सोप ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे क्या है, मुझे थोड़ा स्टेबल लादर, थोड़ा कुशनी लादर एकदम उस तरीके का पसंद है, इसलिए मैं इसको शायद शेविंग में यूज नहीं करूंगा। बट आप ट्राई कर सकते हो यार, आपको किसी ने नहीं रोका है। यू कैन एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर श्योर। सो इस तरीके का इसका कुछ लादर है एंड बोल लादरिंग करने में भी सेम जो है, बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं इस तरीके से। एक आवाज आती है, शायद आपको सुनाई दे। बबल्स फूटने की मुझे तो आ रही है। सो या आई मीन इस तरीके का लादर है इसका। सो मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। ऑफकोर्स आई कैनॉट यूज दिस फॉर शेविंग, आई पर्सनली कैनॉट। आप अगर चाहे तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे से कम्प्लीटली अलग हो, शायद मुझे मिस्टेक पीस आ गया हो, ये भी हो सकता है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। और शायद ऐसा लादर होने के बाद भी आपको अच्छा शेविंग एक्सपीरियंस मिले, ये भी पॉसिबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यूज नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यूज ना करें। आप ट्राई करके देखें अगर आप चाहें तो, डेफिनेटली। अगर उन्होंने प्रोबायोटिक्स वगैरह यूज करके इतनी मेहनत से बनाया एक शेविंग सोप, सो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। दोस्तों, वेट शेविंग के इस एपिसोड में ऑल्दो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा, बट कोई बात नहीं, हमें कुछ नया जानने को मिला, एक नए शेविंग सोप के बारे में जानकारी प्राप्त की हमने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर से एक अगले वीडियो में, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और इंटरेस्टिंग रिव्यूज और प्रोडक्ट्स हम देखेंगे और अच्छे से एक शेविंग भी करेंगे। तब तक के लिए कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार, चाओ, ऐसे कुछ कुछ करते रहा करो।